श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री गुरु शिव महाप्राण कथा जो कि सीहोर कुबरेश्वर धाम से आज प्रारंभ हुई है। आज कथा का पहला दिन था। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा आज के दिन जो जो उपाय बताए गए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। आज के दिन की कथा के सारे उपाय आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। आज की कथा का पहला उपाय है कि जो लोग रोगों से घिरे हुए हैं, बीमारियां घेरे रखी हैं, तो उन्हें क्या करना है। एक दूरवा लेना है। एक दूरवा शिवलिंग में जहाँ जलाधारी होती है, जल नीचे की ओर गिरता है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कहाँ पे जल नीचे की ओर गिरता है। वहाँ जलाधारी में नीचे की ओर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने शरीर के सुख का स्मरण करते हुए वो दूरवा आपको जलाधारी के नीचे साइड रख देना है। जिंदगी में कभी भी बड़ी बीमारी नहीं आती है और जो रोग कष्ट हैं आपके शरीर में चल रहे हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ये उपाय आपको प्रदोष के दिन करना है। इसी के साथ आज की कथा का दूसरा उपाय है जो कि बहुत ही अच्छा उपाय है। जब आप शिव मंदिर जाते हैं, शिवलिंग में जल अर्पित करने जाते हैं, तो जब वो शिवलिंग किसी वृक्ष के नीचे होता है, किसी वृक्ष के नीचे आपने देखे होंगे शिवलिंग रखे हुए रहते हैं, चाहे वो वट का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, बेलपत्री का वृक्ष हो या समी का वृक्ष हो, इन वृक्षों में से किसी भी वृक्ष के नीचे यदि शिवलिंग रखा हुआ है तो वहाँ पे आपको एक दूरबा लेकर जाना है। और शिवलिंग में जहाँ कटिभाग है, माता जगत जननी जगदम्बा का स्थान बताया गया है, जो गोल कटिभाग होता है, वहाँ पे आपको एक दूरबा श्रावण मास में किसी भी दिन आपको समर्पित कर देना है। जिन लोगों के किडनी या लीवर में तकलीफ हो रही है, डायलिसिस चल रहा हो, तो वह एक दूरबा समर्पित करके वह व्यक्ति 7 दिन उस दूरबा को सुबह के समय खाली पेट उस दूरबा के 7 टुकड़े करके खा लेना चाहिए या निगल लेना चाहिए, तो उससे किडनी लीवर से संबंधित रोग से मुक्ति मिलती है। दूरबा संसार में कई रोगों को समाप्त कर देती है। दूरबा में इतना बल होता है, दूरबा कभी साधारण नहीं होती है। आपको वो दूरबा के 7 टुकड़े 7 दिन तक एक एक टुकड़ा खा लेना है। इसी के साथ तीसरी गुरुजी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि जब कोई व्यक्ति घर से विशेष कार्य के लिए बाहर जा रहा हो या अपनी जॉब के लिए जा रहा हो या किसी भी कारणवश वो घर से बाहर जाता है, तो घर में तुरंत उसके जाने के बाद पोछा या झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, या उस व्यक्ति के जाने से पहले लगा लीजिए या उसके जाने के आधे घंटे या एक घंटे के बाद लगाना चाहिए, पर तुरंत बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।